हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये पर्सलिन के बारे में बात करूंगी। ये भी एक्चुअली पोर्चुलाका की एक वैरायटी होती है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। मैं आपको स्क्रीन पे इसका नाम, बोटेनिकल नेम जो है, इसका नाम है पोर्चुलाका ओलिरेशिया, बोटेनिकल नेम। तो पोर्चुलाका की ही वैरायटी है, इसको पर्सलिन कहते हैं। देखिए, और ये देखिए, ये थोड़ा अलग वैरायटी है मेरे पास। इसमें देखिए, जनरली पर्सलिन में दो रंग इस तरह से नहीं आते हैं कि बीच में देखिए ये रेड है अलग से और चारों तरफ ये पत्तियां येलो। खूबसूरत फ्लावर्स हैं ये। तो आज हम इन्हीं पे बात करेंगे। ये बड़े इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं, वीड होता है ये एक तरह का। और आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि इसका ओरिजिन इंडिया ही है, मतलब ये इंडिया का नेटिव प्लांट है ये हमारे यहाँ का। तो ये कहीं भी उग जाता है, सड़कों के किनारे। अच्छा, दो तरह के होते हैं, एक तो हम ये जो है फूलों के लिए उगाते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो बिल्कुल ही वीड होता है। वो ऐसे उसको तो उखाड़ के फेंकना पड़ता है, वो गमलों में हो जाते हैं। तो ये बड़े आसानी से उग जाते हैं, बस इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स देखिए आप, बिल्कुल कहीं भी आपको मिले आप इसकी इतनी इतनी सी, ये तो बहुत ज्यादा है, ये इसकी इतनी इतनी सी ऐसे कटिंग्स लेके आप, छोटी 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 कटिंग्स, बिल्कुल छोटी छोटी, देखिए जितनी मैं ले रही हूँ, इतनी छोटी छोटी कटिंग्स आप लेके ऐसे, इवन ये फ्लावर वाली डंडी वाली, ये इतनी छोटी छोटी सी कटिंग्स लेके, नीचे की पत्तियां हटा के, जो हिस्सा जमीन में जाना है उसमें से हटा के, और इसको लगा दें। और इसको ज्यादा जमीन में गहरा दबाना भी नहीं पड़ता, बस इतना इतना सा, आधा आधा इंच थोड़ा थोड़ा सा दबा दें। और ये जो है बहुत जल्दी से फैलता है, बहुत जल्दी से फैल जाता है ये, और इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। और ये क्या है, जो पोर्चुलाका है ना, वो थोड़ा हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर की तरफ वर्टिकल ग्रो करता है। ये पर्सलिन जो है ये ऊपर की तरफ जाता है, स्प्रेड होने की बजाय। ये जो वैसे तो स्प्रेड होता है ये, लेकिन इसके स्टेम्स जो है, वो जो फ्लावर्स इस पे उगते हैं, वो ऊपर की तरफ वर्टिकल ग्रो करते हैं। ये एक्चुअली इन्वेसिव वीड है, इसको आप बहुत फैलता चला जाता है, और गमलों में भी आप थोड़ा सा लगाओ ये फैलता चला जाता है। तो ये थोड़ा जैसे अभी हमने जैसे ग्राउंड में भी आप लगाते हो या रॉक गार्डन्स में लगाते हो, थोड़ी सी भी जहाँ जगह है वहाँ बहुत थोड़ी सी जगह में लग जाते हैं। एक तो ये बस इतनी सी मिट्टी हो, इतनी सी तो उसमें लग जाएंगे ये। तो फिर क्या होता है, इसमें से बीज जो है वो गिरते रहते हैं अपने आप। तो आप इनको हम उखाड़ देते हैं ना, तो उसके बाद इसके बीज जो नीचे गिर जाते हैं, उसी जगह पर ये नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाते हैं। तो और इसका जो मौसम है, ये गर्मी में जो है वो, वैसे तो इनको जो है हम स्टोर करके थोड़ा सा प्रिजर्व करके रख सकते हैं विंटर्स में, लेकिन विंटर्स जो है वो इनका फ्लावरिंग का सीजन नहीं होता। और समर्स में ये फ्लावरिंग का, जितनी तेज गर्मी होगी उतना अच्छी तरह से ये फ्लावर करेंगे। 8-9 बजे तक इसके फ्लावर खिल जाते हैं, और जितनी देर तक बहुत तेज गर्मी रहेगी ना, उतनी देर तक इसके फ्लावर खिले रहते हैं। और जैसे ही शाम को गर्मी कम होने लगती है, तब इसके फ्लावर्स जो है वो बंद हो जाते हैं, और ये फरवरी मार्च से फ्लावरिंग करना शुरू करता है। और सर्दियां जब हमारी शुरू होती है, तब तक फ्लावरिंग करता रहता है। और उसके बाद जब हम इसको उखाड़ देते हैं कि विंटर्स आ गए, अब दूसरे पौधे लगाने हैं, तो नेक्स्ट ईयर ये अपने आप ही जो है वो वहां पर ग्रो कर जाता है। अब आपको देखिए, ये मैंने उखाड़ के फेंके थे, देखिए यहाँ पे, और ये यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये मैंने कहीं से उखाड़ के यहाँ फेंके थे, और यहाँ फिर से इन्होंने जड़े पकड़ ली, और ये देखिए फ्लावर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मतलब इतना इजी टू ग्रो और हार्डी प्लांट है, और इस मौसम में जो न्यू गार्डनर्स हैं उनके लिए तो ये इतना अच्छा है कि बस जहाँ देखो वहां इनको लगा दो। और जैसे मैंने कहा, इनकी ऐसी छोटी छोटी सी कटिंग्स, पुराना जो आपका एक बार पौधा है उससे कटिंग लेते जाओ, और कटिंग्स लेते जाओ और इसको लगाते जाओ, छोटी छोटी एक एक दो दो इंच की कटिंग लेते जाओ। और मिट्टी इसको किसी भी तरह की चलती है, कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम गमले में लगाते हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी जो हम सारे पॉटिंग मिक्स दूसरे पौधों के लिए बनाते हैं, जैसे विंटर फ्लावर्स होते हैं ना, मैं तो ऐसे करती हूँ। ये देखिए मेरे ये छोटे छोटे जो गमले हैं, इनमें मैंने विंटर फ्लावर्स लगाए हुए थे। जब वो विंटर फ्लावर्स
जो है वो विंटर्स के बाद हट जाते हैं, तो फिर उसके बाद गर्मियों में इस मिट्टी को मैं या तो इन्हीं गमलों में पड़ा रहने देती हूँ, धूप में रख देती हूँ ताकि ये स्टेरिलाइज हो जाए, या इस सारी मिट्टी को निकाल के और इसको फैला के स्टेरिलाइज कर लेती हूँ, और फिर विंटर के समर के बाद इसको इनमें भर के और उसके बाद इनमें ये लगा देती हूँ। अब ये जब हटेंगे दिवाली के बाद तो फिर इनमें विंटर फ्लावर्स लगा दूंगी, फिर मैं इसमें से कुछ कुछ मिट्टी निकालूंगी और दोबारा से अच्छी मिट्टी और ऐड करके इनमें विंटर फ्लावर्स लगा दूंगी। तो मिट्टी इनको बस उसी मिट्टी में आप लगा दें, खास ऐसे पुअर सॉइल में उल्टा ये ज्यादा ग्रो करते हैं। कई बार आप पर्सलिन की बहुत ज्यादा केयर करते हैं और उसमें फ्लावर्स नहीं आते, तो इसका एक कारण ये होता है कि आप बहुत ज्यादा खाद दे देते हैं, रिच सॉइल में ये नहीं उगते हैं। इनको पुअर सॉइल चाहिए होती है जिसमें खाद बहुत कम हो, तो इनको आप खाली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। आपके आसपास की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी ली और उनमें डायरेक्ट आपने लगा दिए और तो ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। अगर आपने इसको खाद ज्यादा दे दी, इनको फ्लावरिंग सीजन में लिक्विड फर्टिलाइजर आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार दे दें एक डेढ़ महीने में एक बार हल्का सा लिक्विड फर्टिलाइजर। और अगर आपने ज्यादा खाद दे दी तो ये पौधा नहीं उगेगा। कई बार हमें ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पर्सलिन में फ्लावर नहीं आ रहे, तो उसके दो कारण होते हैं, एक तो आपने खाद ज्यादा दे दी, ज्यादा रिच सॉइल में इसको लगा दिया, और दूसरी चीज कि उसको धूप नहीं मिल रही है। ये गर्मी से इसके फ्लावर खिलते हैं, जितनी तेज गर्मी होगी उतने अच्छे फ्लावर खिलेंगे और उतने ज्यादा फ्लावर्स खिलेंगे पर्सलिन में और पोर्चुलाका में भी। और ये जो पौधा है इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, इतनी ज्यादा इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है कि कई जगह पे इसको खाया भी जाता है, इसका खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है। और ये देखिए इस वाले गमले में ये अपने आप उगाए हैं, तो अब मैं इनकी सोच रही हूँ कटिंग लगा दूं। देखिए अब थोड़ा सा ये पौधा जो है यहाँ पर इसके देखिए लीव्स भी नहीं आ रही हैं, तो इसको अब मैं ऐसी अगर हालत हो जाए पौधे की तो ऐसे तोड़ लें और इसकी कटिंग बना बना के दोबारा से लगा दें। तो अब मैं इसकी कटिंग बना के दोबारा से यहाँ पे लगाऊंगी। और इसकी जैसे मैंने कहा खाने में इसमें न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं, सब्जियां भी खाई जाती हैं इसकी, कई जगह मेडिसिनल वैल्यू भी है, न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है इसकी, तो इसकी रेसिपीज भी होती हैं, सब्जियां खाई जाती हैं इसकी बनाकर, और मतलब जो भी है उसकी रेसिपीज होती हैं, पकाते हैं या एज अ सैलेड कहते हैं मुझे नहीं पता, और मैं आपको कह भी नहीं रही हूँ खाना, आप पूरा इसको अच्छी तरह से देख के सर्च करके हम भी नहीं खाते हैं इसको, लेकिन सुना है कि इसको खाया जाता है, लेकिन हम इसको गार्डन में इसका यूज ले सकते हैं कि इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू का, कि हम इसको जब उखाड़ेंगे विंटर जब शुरू होगा तो इसको हम कंपोस्ट अपना किचन कंपोस्ट जो बनाते हैं उस बिन में डाल देंगे। अगर आप कंपोस्ट बिन नहीं भी बना रहे हो ना तो आपने ये उखाड़े और बहुत सारे हैं तो आप अपने गार्डन में कोई गड्ढा खोद के छोटा सा गड्ढा, अगर टेरेस गार्डन है तो कोई गमला ले लें आप, तो ये सारे जो है वो एक बड़ा गमला ले लें 16 इंच के करीब, उसके नीचे एक मिट्टी की लेयर बनाएं और उसमें सारे पर्सलिन डाल दें आप, और उनके बीच में भी थोड़ी मिट्टी डाल दें, पर्सलिन को डाल के मिट्टी डाल के ऊपर से एक मतलब बीच बीच में ऐसे मिट्टी डाल दें पर्सलिन के पौधे डाल के, और उसके ऊपर एक इतनी मोटी मिट्टी की लेयर बना दें या इतनी मोटी मिट्टी की लेयर बना दें और उसको आप गमले को रख दें, चाहें तो आप उसके ऊपर कोई पौधा भी उगा सकते हैं, और धीरे धीरे वो डीकम्पोज होकर उसमें थोड़ी बहुत थोड़े दिनों बाद ना उसमें छाछ का पाए छाछ डाल दिया करें, तो वो धीरे धीरे डीकम्पोज होकर आपका वो न्यूट्रिएंट रिच खाद तैयार हो जाएगी, और उस खाद को आप थोड़ी थोड़ी सी भी अपने सब पौधों में डालेंगे ना, एक एक दो दो चम्मच भी, तो आपके सारे पौधे इतनी अच्छी तरह से फ्लरिश करेंगे। और यहाँ आपने एक दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, उन सबको लेकर एक बड़े से ड्रम में पानी डाल के उसमें वो डाल दें, ये सारे पर्सलिन डाल दें और थोड़ी सी वर्मी कम्पोस्ट डाल दें इतनी सी, और पानी से भर के गुड़ डाल दें उसमें, तो और उसमें इसको सड़ने दें एक डेढ़ दो महीना, फिर आप उसका पानी थोड़ा थोड़ा निकाल के सारा साल आप लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरह से इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम पौधों के लिए यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो इसकी पत्तियों में नहीं होता, ये एक तरह से कोई न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं है जो नहीं होता। और देखिए इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी फ्लैशी हैं, देखिए कितना पानी है इनमें मैंने कहा 70% तक पानी होता है इनमें, 70 से ज्यादा भी हो सकता है, मैं तो अप्रोक्सीमेटली यूं ही बोल रही हूँ,
बहुत पानी होता है, इसीलिए इस पौधे को बहुत ज्यादा पानी नहीं, कई बार बहुत ज्यादा आप पानी देंगे तो भी ये फ्लावर नहीं करेगा। पानी इसको कम देना है, लेकिन देना रोज है या एक दिन छोड़ के जैसा आप चाहें, लेकिन इसको पानी थोड़ा सा कम देना है। और ज्यादा पानी देंगे तो आपका पौधा मर जाएगा, क्योंकि ये फ्लैशी प्लांट है और इसमें फ्लैश होता है, तो इसको ज्यादा पानी देंगे तो ये मरता बहुत जल्दी है। धूप इसको बहुत ज्यादा चाहिए, और जैसे मैंने कहा न्यूट्रिशन इसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है। कई बार क्या होता है, जैसे इसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है ना, तो थोड़ा सा और बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए होती है, तो कई बार पानी तो हम कम देते हैं, वो इसको कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन ड्राई कंडीशंस में इसमें स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, और स्पाइडर माइट्स जब इसमें लग जाते हैं तो भी ये फ्लावर नहीं करता है, फूल नहीं आ रहे आपके पौधे में। तो आप अपने पौधे को अच्छी तरह से चेक करें, उसमें स्पाइडर माइट्स नहीं लगे हुए हो, कॉटनी ग्रोथ सी या कुछ, अपने पत्तों वगैरह को चेक करें, ऐसा नहीं हो कुछ, तो आपको पता चल जाएगा लगे हुए हैं। तो पत्तों के पीछे की साइड में कॉटनी ग्रोथ जैसे दिखेगा आपको, तो इसका मतलब स्पाइडर माइट्स है। तो अगर स्पाइडर माइट्स है तो आप नीम ऑयल का सोल्यूशन बनाकर उसका स्प्रे करें, इसको हफ्ते में दो बार करें, जब तक कि, वैसे नीम ऑयल का स्प्रे 20 दिन में एक बार करना चाहिए जब हम उसको एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं, लेकिन जब आपका पौधे बीमार है तो आप हफ्ते में दो बार यूज कर सकते हैं, जब तक कि वो बीमारी वो पेस्ट निकल नहीं जाता है, तो उसके बाद फिर आपका पौधा जो है वो फ्लावर करने लग जाएगा। मिट्टी को सौगी बिल्कुल नहीं रखना है, अगर सौगी मिट्टी होगी तो आपका पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं देगा, फिर आप चाहे कितना भी और धूप में इसको रख दें, मिट्टी को आपको थोड़ा सा ड्राई साइड में रखना होगा, बिल्कुल सूखी नहीं, ड्राई साइड में रखना होगा, पानी थोड़ा सा कम ही दे तो अच्छा है इस प्लांट को। और बहुत इजीली ग्रो करने वाला प्लांट है न्यू गार्डनर्स तो, और कई लोगों को मैंने देखा है हर चीज में, कोई छोटी सी डब्बी हो, इतनी सी डब्बी हो, इतना कोई भी आपका वेस्ट कप हो, कुछ हो, ये सीजन तो बस आप सर्दी तक इसको लगाते रहे और आपका गार्डन जो है वो फूलों से जो है वो कलरफुल रहेगा। इसका एक ऑरेंज सा कलर भी है मेरे पास, लेकिन आज वो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें ऊपर पड़ा कोने में, उसमें भी फ्लावर नहीं है आज, कोई छाया में है एक्चुअली वो, तो इसको मिक्स करके लगाएं तो और अच्छा रहता है। जैसे ये कलर अलग लगा हुआ है मेरे, येलो अलग है, येलो ऑरेंज अलग है, सबको एक साथ मिक्स करके एक गमले में लगाएं तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं ये। तो बस फ्रेंड्स, ये मुझे बताना था कि पर्सलिन और पोर्चुलाका देखिए थोड़े अलग है, आप इसको कंफ्यूज ना करा करें, ये इसकी पत्तियां देखिए पोर्चुलाका, ये पर्सलिन है, पोर्चुलाका की ही वैरायटी है जैसे मैंने अभी आपको कहा, लेकिन ये जिसको हम नॉर्मली पोर्चुलाका कहते हैं, ये इसकी पत्तियां अलग है, इसके फ्लावर्स भी अलग है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।